कॉन्स यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग की बात हो रही है और मैं बड़े वसूख से प्रूव करने की हद तक इम्तान कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्स कुछ भी नहीं होता है कोई डिसएडवांटेज नहीं होता बट चूंकि स्टैटिस्टिकली प्रूवन है किस वजह से है मैं वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप डिस्करेज ना हो आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फ्रीलैंस की लिस्ट है पूरी दुनिया की जो अपना काम खुशलूबी से कर रहे हैं एंड मे देव मेड अ गुड करियर ठीक ठाक वेल ऑफ आराम से खड़े हैं नॉर्मल हैं कोई बीमारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं बाश हैं सब कुछ है एक डिसएडवांटेज या कौन और देखा जाता है जो कि मेरे नज़दीक ना शुक्री के जमरे में आता है लेकिन ना शुक्री के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते वैसे तो हम मुसलमान है हालत में हर सिचुएशन में, में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए पर ये जो शुक्री वाली बात है ये जनाब चार अशारिया चार फीसद फ्रीलैंस कहते हैं कि बेटर रिवॉर्ड नहीं मिलता फ्रीलैंसिंग में क्योंकि उनको वो क्लाइंट नहीं मिलता जो ज्यादा अच्छे पैसे देता है और वो फिर डिस्करेज हो जाते हैं वर्क फ्रॉम होम करने से बिकॉज उनको ऐसा लगता है उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट की वैसे तो कोई करने वाली बात नहीं है लेकिन इसको एक्सप्लेन कर देते हैं समझा देते हैं क्योंकि मेरा मकसद आपको इनकरेज करना है मेरा मकसद आपको डिस्करेज करना नहीं है दुनिया में सिर्फ वही बंदा परेशान होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होता अगर आप सिस्टमेटिक हैं अगर आप ऑर्गेनाइज हैं मैं मान ही नहीं सकता कि कैसे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे एज अ फ्रीलैंसर बिकॉज जब आपका सब कुछ एक मामूल स्केड्यूल के मुताबिक हो रहा होगा कोई भी चीज उस स्केड्यूल से हट के जब होगी वो ऑटोमेटिकली फॉल ऑफ हो जाती है बिकॉज इट डज नॉट फॉल इन प्लेस सिमिलरली ये जो चार शारिया, चार फीसद फ्री लांसर कहते हैं कि जनाब क्लाइंट पे ऑफ नहीं करते इसमें जो रीजनिंग देखी जा सकती है वो तीन बातें हैं जो मैं आपके सामने स्क्रीन में रखूंगा ए यू आर अगनर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच आपने काम स्टार्ट किया है और ख्वाहिशा आपकी हैं कि आप रातों रात हजारों डॉलर कमा लें ऐसे हो सकता ऐसा दुनिया का कौन सा कारोबार है जो रातों रात आपको अमीर बना दे मेरे ख्याल में मैं अपनी स्टेटमेंट रिफ्रेश कर सकता ऐसा दुनिया का कौन सा लीगल कारोबार है जो आपको रातों रात अमीर बना देता है अब ठीक बात है तो जनाब ओवरनाइट बिगनर जो है वो सोचता है कि मैं अमीर हो जाऊं और जब उसको फ्रीलैंसिंग से वो खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं आता एज अ बिगनर एज जस्ट स्टार्टेड तो उसके बाद वो अपना सर खुजाना शुरू कर देता है ए तो कुछ और क्या सी गुरु ने यानी गुरु ने तो मुझे वीडियो में यह कहा था कि तुम रातों रात पैसे कमा लोगे गुरु ने कब कहा था भाई? मैंने सिर्फ यह बात बोली थी गेट द मनी इज प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस पैसा आ जाएगा वक्त के साथ पहली शर्त यह है कामयाब हो यकीन जानो दोस्तों खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका जरिया माश उनका शौक होता है अगर आपको शौक है फ्रीलांसिंग का अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किल सीखने का शौक है आप ऑटोमेटिकली मेहनत और लगन से कामयाब होंगे और जब आप कामयाब होंगे पैसा भी आ जाएगा यहां पे आप देखें मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस पैसा कामयाबी के पीछे दौड़ता है आपके पीछे नहीं दौड़ता चले जी दूसरी बात अगर हम इस चार इशारिया चार फीसद कंप्लेनिंग फ्रीलांसर्स की देखें और रीजन फाइंड करें तो मेरे जेन में एक और बात आती है और वो ये आती है कि दे आर नॉट ऑर्गेनाइज जब आप सिस्टमैटिक नहीं हैं जब आप एक प्रोफेशनल टाइम बिहेवियर नहीं फॉलो करते तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अनऑर्थोडॉक्स हो के होके नॉन सिस्टमैटिक तरीके से ज़िंदगी गुजार के कामयाब होंगे सवाल ही नहीं पैदा था फ्रीलैंसिंग तो दूर की बात चाहे कोई भी काम उठा लीजिए या कोई भी जॉब कर लीजिए एज ह्यूमन बींग भी शायद सक्सेसफुल ना हो सके। हमें एज अ मुसलमान पाँच वक्त की नमाज का क्यों हुक्म है बिकॉज ये हमें एक पाबंद बनाती है एक अबादत है एक टाइम जोन को अडायर कराती है कि जनाब ये पांच वक्त हैं जिन पर्टिकुलर पांच वक्तों में ही ये पांच नमाजें पढ़ी जा सकती ऐसा हो सकता है कि फजर जोहर के वक्त पढ़ी जाए या जोहर असर के वक्त पढ़ी जाए सो एंड सो फोर्थ जो टाइम है उसी टाइम पे ही जमात होती है सेम गोज फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते जो काम जिस वक्त होना है नहीं कर सकते तो आप कामयाब नहीं हो सकते जब आप कामयाब नहीं हो सकते तो आप पैसे भी नहीं कमा सकते तीसरी बात ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट बट तीसरी बात इन दोनों बातों का एक्चुअली क्लक्स है मजमुआ है और वो ये है कि फ्रीलांसर्स डू नॉट वर्क ऑन ऑनसेज मैंने सीखी फोटोशॉप सबसे पहले उन्नीस सौ निन्यानवे में ठीक उसके बाद थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीखा दो हजार दो में और उसके बाद अगर उसी स्किल को लेके मैं दो हजार अट्ठारह में मार्केट में आऊंगा तो मुझे यहाँ से भी पड़ेगी और यहाँ से भी पड़ेगी पढ़ने वाली फ्री की तरफ से बाकी फ्री जो कंपटीशन में क्योंकि इन वाले साहब ने 2018 की स्किल सीखी हुई है और इन वाले साहब ने भी 2018 की स्किल सीखी हुई है मैं 2003 में कैसे अपने कदम जमा सकता हूँ मार्केट में जबकि कंपिटिशन इतना सख्त है इतना टफ है तो मुझे अपने आप पे काम करना है अपने प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट पे काम करना है अपनी स्किल एडवांसमेंट पे काम करना है बिकॉज जब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करते यकीन जाने एक वक्त आता है कि आप डाउन एंड आउट हो जाते हैं ये बेटर अवॉर्ड वाली जो बात कर रहे हैं ना मैंने ऐसे लोगों को भी दुनिया में देखा है यकीन जानो मैं पूरा पाकिस्तान फेराऊ मैंने ऐसे लोगों को दुनिया में देखा है जो एक जमाने में फिलदी रिश्ते नाइन्टीज में पाँच पाँच लाख उनकी तनख्वाह थी और अब यकीन जाने कि उनका घर का किचन नहीं चल रहा इस वजह से नहीं चल रहा कि उन्होंने अपने आप पर टाइम नहीं लगाया अपनी पर्सनल डिवेलपमेंट नहीं की अपनी स्किल एडवांस नहीं की वो चेंज जो और डिमांड करती है हर टाइम के साथ एक इंसान से टू इंप्रूव टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेप अगर आप उस चेंज के लिए रेडी नहीं है तो कंपटीशन राइट और लेफ्ट वाला आपको कुछ कर देगा टू द पॉइंट जहां पे आप सिस्टम से आउट हो जाएंगे जैसे मैं हो रहा हूं